बहुत बहुत स्वागत है आपका इस साइंस क्लास में। आज हम कंजर्वेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 8 का। कंजर्वेशन मीन्स होता है संरक्षण, यानी पौधा और जानवर का संरक्षण कैसे किया जाए उसके बारे में ही पढ़ना है। तो चैप्टर शुरू कर रहे हैं। वी सॉ इन क्लास 8 डेट पहेली एंड बुझो हैड विजिटेड द फॉरेस्ट along with Professor Ahmed and Tibu। तो कहता है चैप्टर में कि हम लोग ने क्लास 8 में देखा है कि पहेली और बुझो विजिटेड किया था, मतलब फॉरेस्ट वो लोग गए हुए थे देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए। किसके साथ? प्रोफेसर अहमद और टीबू के साथ। तो एक कहानी के माध्यम से यह बता रहा है। दे वेर ईगर, वे काफ़ी उत्सुक थे टू शेयर देयर एक्सपीरियंस विथ देयर क्लासमेट, है ना। तो जब वो वहाँ गए थे तो काफ़ी उत्सुक थे, वो अपना अनुभव को शेयर करना चाहते थे। किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ जो उनके साथ पढ़ते हैं, क्लासमेट होते हैं उनके। अदर चिल्ड्रेन इन क्लास वेर आल्सो ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एज सम ऑफ देम हैड विजिटेड भरतपुर सेंचुरी, है ना। तो वे लोग हमारे जो बच्चे थे, दे वेर ईगर टू शेयर विथ एक्सपीरियंसेस, वे लोग भी उत्सुक थे अपने अनुभव को शेयर करने के लिए अपने क्लासमेट के साथ। अदर चिल्ड्रेन इन क्लास वेर आल्सो ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एज सम ऑफ देम हैड विजिटेड भरतपुर सेंचुरी। तो दूसरे बच्चे भी जो क्लास में थे वह भी काफ़ी उत्सुक थे, जानना चाहते थे उनके अनुभव को। वे लोग भरतपुर सेंचुरी में घूमने के लिए गए थे। सम अदर हैड हर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क, लखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व। तो कुछ दूसरे जो थे वह इनके बारे में सुन रखे थे, है ना, जैसे काजीरंगा के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, ग्रेट निकोबार के बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर, ये सब क्या है उसको कुछ कुछ जानते थे, है ना। तो अब है यहाँ आगे उसके बारे में बताया जाएगा। डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज, यानी फॉरेस्टेशन मीन्स होता है जंगल लगाना, है ना, जंगल को बनाना, और डिफॉरेस्टेशन मीन्स जंगल की कटाई, जंगल का उन्मूलन। तो डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज, यानी जंगल की कटाई, जंगल का उन्मूलन का कारण क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ए ग्रेट वेराइटी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर बहुत सारा प्लांट और एनिमल का वेराइटी है। दे आर इसेंशियल फॉर वेल बींग एंड सर्वाइवल ऑफ द मैनकाइंड, है ना, ये बहुत ही आवश्यक होते हैं मनुष्य के सर्वाइव करने के, मनुष्य के जीने के लिए। ये प्लांट भी बहुत आवश्यक होते हैं और एनिमल भी आवश्यक होते हैं। टुडे ए मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिज इज डिफॉरेस्टेशन, अब जो यह वन का उन्मूलन हो गया है तो उनके जीवन का एक बहुत ही संकट आ गया है, है ना, उनके जीवन को एक धमकी मिल रहा है कि वे नहीं रहेंगे जंगल में। अगर जंगल की कटाई होती रही तो उनका जीवन नहीं रहेगा, उनका जीवन खतरे में आ जाएगा। वी नो डैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, द डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड यूजिंग डैट लैंड फॉर अदर पर्पस, जैसा कि हम लोग जानते हैं डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या हुआ, जंगल को साफ करना, यानी जंगल में जो पेड़ पौधा है उसको हटाना और उसके ज़मीन को दूसरे पर्पस में यूज करना। ट्री इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पस मेंटेन वाइल्ड, तो ये जो फॉरेस्ट में वृक्ष वगैरह हैं वे काटे जाते हैं, उनका कुछ पर्पस होता है, क्या क्या पर्पस होता है इसको पढ़ेंगे। प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, है ना, तो कल्टीवेशन क्या हुआ, खेती के लिए उनको ज़मीन साफ किया जाता है। बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्रीज, है ना, हाउस और फैक्ट्रीज को बनाने के लिए भी जंगल को काटा जाता है। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, है ना, फर्नीचर बनाने के लिए प्लांट को काटा जाता है और
उसके लकड़ी को यूज करने के लिए, फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में उस लकड़ी को यूज करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसको काटा जाता है। तो यहाँ पर बताया आपको डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज, तो आप इसको बारी बारी से नंबर देके लिख सकते हैं कि क्या क्या कारण है ना। तो खेती के लिए भी जंगल को साफ किया जाता है, घर और फैक्ट्री को लगाने के लिए, बनाने के लिए भी किया जाता है, और फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है, और ईंधन के रूप में लकड़ी का यूज किया जाता है, लकड़ी को जलाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। सम नेचुरल कॉजेज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सीवियर ड्रॉट, है ना। तो ये तो जो बताया यहाँ पर कारण, वो मनुष्य के द्वारा होता है, मनुष्य जंगल को साफ करता है, फैक्ट्री लगाता है, बिल्डिंग बनाता है, या फ्यूल के रूप में उसका यूज करता है। लेकिन कुछ नेचुरल कारण भी हैं, है ना, प्राकृतिक कारण भी। प्राकृतिक कारण में क्या है, फॉरेस्ट में आग लग जाता है या बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है तो जंगल ख़त्म हो जाता है। एड मोर कॉजेज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन टू योर लिस्ट एंड क्लासीफाई देम इन टू द नेचुरल एंड मैन मेड। तो आप अपने नोट्स में अलग अलग बता सकते हैं कि मैन मेड, व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन बाय मैन मेड, यानी मैन मेड के द्वारा कैसे डिफॉरेस्टेशन होता है, क्या कारण होता है, और नेचुरल कॉजेज क्या होता है। नेचुरल कॉजेज में हो गया जैसे आग लग गया, या यहाँ दिया हुआ है सूखा पड़ गया, है ना। तो अब है कंसिक्वेंस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगल की जो कटाई होती है उसका क्या कारण होता है, क्रम से पढ़ना है। पहली क्या हो सकता है, अगर जंगल कट जाएगा तो उसका क्या क्या ये हो सकता है, क्या रिजल्ट आएगा उसका। पहली एंड बूझो रिकॉल दैट द कंसिक्वेंस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, दे रिमेंबर्ड, उसने याद किया दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। अगर जंगल कट जाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर जो है वह इंक्रीज कर जाएगा और पॉल्यूशन लेवल भी काफ़ी बढ़ जाएगा। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर, और टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमोसफेयर में काफ़ी बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ जाता है और पॉल्यूशन बढ़ेगा। ग्राउंड वाटर लेवल आल्सो गेट लोअर्ड, और ज़मीन में भूमि के नीचे जो पानी है वह काफ़ी नीचे हो जाएगा। दे नो डैट, हम लोग जानते हैं डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन द नेचर, और तब जंगल की जो कटाई होगी, हम लोग जानते हैं कि जंगल की अगर कटाई होती रही तो नेचर में जो बैलेंस है ना, गैसेस का बैलेंस है या टेम्परेचर का बैलेंस है, सो वो क्या होगा, वह ख़त्म हो जाएगा, वह डिस्टर्ब हो जाएगा। दे वे टोल्ड बाई प्रोफेसर अहमद, वे प्रोफेसर अहमद के द्वारा ये कहा गया है डैट इफ़ कटिंग ऑफ ट्री कंटिन्यूस रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज, है ना, कि अगर कंटिन्यूसली रूप से अगर ट्री को काटा जाएगा तो क्या होगा, वर्षा नहीं होगा, वर्षा कम जाएगा और सॉइल की जो उर्वरकता है, फर्टिलिटी है, वह भी कम जाएगा, यानी अनाज नहीं उगेगा। मोर इवर देयर विल बी इंक्रीज चांस ऑफ द नेचुरल क्लेमाइटिस सच एज द फ्लड एंड ड्राफ्ट, और क्या होगा, और ये चांस है कि जो प्राकृतिक घटना है फ्लड, बाढ़ और सूखा, ये बढ़ जाएगा, यानी बाढ़ भी हर साल आने लगेगा, चूँकि प्लांट अगर कट जाएगा, पौधा अगर नहीं रहेगा, चूँकि पौधा का जड़ जो है वह मिट्टी को बांधे रहता है, तो मिट्टी भी वहाँ से हट जाएगा और फ्लड बहुत ज़्यादा मात्रा में आएगा, और सूखा भी पड़ सकता है, वर्षा नहीं होगी तो। रिकॉल दैट द प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, और याद कीजिए कि प्लांट को क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, फोटोसिंथेसिस के लिए। फीवर ट्री वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज अप रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज अमाउंट ऑफ द एटमोसफेयर, है ना। तो चूँकि पौधा जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड को लेते रहता है, और अगर कम पौधा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा ही नहीं, तो
एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, जिससे टेम्परेचर भी काफ़ी बढ़ जाएगा और जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग जो है वह हो सकता है। ट्रैप द हीट रे रिफ्लेक्टेड बाई द अर्थ, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, तो यह क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में एक खास खूबी होती है कि यह टेम्परेचर को क्या करता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट, हीट को यह एब्जॉर्ब करता है। रे रिफ्लेक्टेड बाई द अर्थ, और अर्थ के द्वारा यह रिफ्लेक्टेड होता है। दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल, और इस तरह से टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा पृथ्वी पर तो वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब होगा और मे रिड्यूस रेनफॉल, और वर्षा बहुत कम होगी। दिस कुड कॉजेज ड्रॉट, और इससे सूखा भी पड़ सकता है। डिफॉरेस्टेशन इज ए मेजर कॉज व्हिच लीड्स टू चेंज इन द सॉइल प्रॉपर्टी, या सॉइल प्रॉपर्टी को भी क्या करेगा, चेंज कर देगा, यानी सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको भी चेंज कर देगा। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाई प्लांटेशन एंड वेजिटेशन, यानी सॉइल का जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, अगर वह चेंज हो जाएगा तो पौधा और हरे भरे वातावरण के लिए वह खतरा हो जाएगा। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 हाउ ट्री प्रिवेंट सॉइल इरेशन, आपने 7 में पढ़ा है कि प्लांट जो है वह किस तरह से मृदा अपरदन को रोकता है, यानी मृदा के मिट्टी के कटाव को रोकता है। फीवर टू रिजल्ट इन मोर सॉइल इरेशन, अगर बहुत कम प्लांट रहेगा तो मृदा का कटाव बहुत ज़्यादा होगा। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेस द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर, है ना, और टॉप लेयर अगर हट जाएगा, मिट्टी का अगर टॉप लेयर, मिट्टी का ऊपरी लेयर अगर हट जाएगा तो भीतर का जो हार्ड लेयर है वह आ जाएगा, है ना। द सॉइल हैज लेस ह्यूमस, और इसमें ह्यूमस नहीं रहता, ह्यूमस की भी कमी हो जाएगी, यानी खाद की भी कमी हो जाएगी। एंड इस लेस फर्टाइल, और काफ़ी फर्टिलिटी इसका कम जाएगा, यानी अनाज नहीं उपजेगा। इट इज़ कॉल्ड डिसर्टिफिकेशन, ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट कन्वर्टेड इनटू डिजर्ट, और धीरे धीरे क्या होगा, ये जो उर्वरक मिट्टी है वह धीरे धीरे डिजर्ट में बदल जाएगा, यानी रेगिस्तान में बदल जाएगा। इट इज़ कॉल्ड डिसर्टिफिकेशन, और इसको क्या कहा जाता है, डिसर्टिफिकेशन कहा जाता है, यानी रेगिस्तान को फर्टाइल लैंड, यानी जिस पर अनाज उगता है, वह मिट्टी अगर धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल जाएगा तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिसर्टिफिकेशन कहा जाता है। डिफॉरेस्टेशन आल्सो लीड टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और यह जो डिफॉरेस्टेशन है वह क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी वह कम कर देता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इन टू द ग्राउंड इज रेड्यूस, है ना, और वाटर जो मिट्टी के सरफेस में जाता है और नीचे भूमि में जो नीचे पानी होता है वह भी कम जाएगा, है ना, वाटर लेवल कम जाएगा। सो देयर आर फ्लड, और इसके कारण मिट्टी रिसेगा नहीं तो फ्लड बाढ़ आ जाएगा। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट टेक्सचर आल्सो चेंज बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, और मिट्टी में जो अदर न्यूट्रिएंट है वह भी चेंज हो जाएगा, वह भी नहीं रहेगा, और इस तरह से अगर डिफॉरेस्टेशन होता रहा तो। वी हैव स्टडी इन क्लास 7 डेट वी गेट मेनी प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट, लिस्ट दिस प्रोडक्ट, विल वी फेस द शॉर्टेज ऑफ दिस प्रोडक्ट इफ वी कंटिन्यू कटिंग ट्री, है ना। तो इस तरह से आप क्या क्या हो सकता है, मिट्टी ये पौधा को काटने से, डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या हो सकता है, इसका लिस्ट आप बना सकते हैं। धन्यवाद, आज इतने रहने दीजिए, और आगे हम फिर कल बताएंगे।